हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय फ्रेंड्स। आई नो मेरे लॉन्ग व्लॉग्स कुछ कम आ रहे हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट एंड आई विल ट्राई कि मैं अब फ्रीक्वेंटली लॉन्ग व्लॉग्स डालूं। काफ़ी व्लॉग्स है मेरे पास जो मुझे डालने हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लेजीनेस आई एम नॉट डूइंग दैट। बट मैं अब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डालूंगी। एंड तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हम कुंभलगढ़ से निकल गए हैं एंड हम निकले हैं पुष्कर जाने के लिए। तो आइए देखिए पुष्कर का पूरा ब्लॉग। तो हम निकल चुके हैं कुंभलगढ़ से पुष्कर की ओर और रास्ते में हम ब्रेकफास्ट के लिए एक जगह रुकते हैं और आइए देखिए हमने ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया। तो पुष्कर के रास्ते में हमें कोई भी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट नहीं दिखा, बट काफ़ी भूख लग चुकी थी तो हम रुके इस रेस्टोरेंट पे। ये रेस्टोरेंट ओकेज था और यहाँ पे हमने किया अपना ब्रेकफास्ट। तो हमने खाया यहाँ पे ये पोहा और आलू के पराठे जो डिसेंट थे। फिर ये ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े अपने रास्ते की ओर और देखिए रास्ते में हमें क्या क्या दिखा। देखते ही देखते हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे जो था द पुष्कर फोर्ट लग्जरी हेरिटेज रिसोर्ट। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस स्टे बिकॉज इसका लुक एंड फील काफ़ी लग्जूरियस और हेरिटेज होटल की तरह था, बट गाड़ी से निकलते ही हमारी हालत ख़राब हो गई क्योंकि इसका टेम्परेचर वॉज सोरिंग हाई। काफ़ी डिफरेंस था कुंभलगढ़ के टेम्परेचर में और पुष्कर के टेम्परेचर में। तो हमारी गर्मी से हालत हो गई ख़राब और ये रिसोर्ट देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये था इनका रिसेप्शन, तो ऐसा रिसेप्शन मैंने कभी नहीं देखा था जहाँ पे एसी नहीं थी और कूलर लगा हुआ था। बेचारा रिसेप्शनिस्ट, उसकी तो हालत और ख़राब हो गई होगी। तो हमने यहाँ पे चेक इन किया पहले। तो रिसेप्शन से निकलते ही हमें दिखे ये पंछी, कितने क्यूट लग रहे हैं ना। तो मैं और पापा खड़े होके इनको कुछ देर निहारते रहे और फिर निकले अपने रूम की ओर। तो आइए दोस्तों देती हूँ एक छोटा सा रूम टूर। तो बात है कुछ ऐसी कि ये रूम और ये बाथरूम आप देख लीजिए। बाथरूम वॉज डिसेंट, ठीक है। हेरिटेज लुक एंड फील की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हेरिटेज लुक एंड फील था, बट हेरिटेज के चक्कर में जो इन्होंने लग्जरी की वाट लगाई ना, वो तो अलग ही विषय है। बट नेवरदलेस इसका डेकोर बहुत ही ऑथेंटिक और अमेजिंग था। बट जैसे ही हम रूम में घुसे ना, इंटर किए, वैसे काफ़ी देर से यहाँ पे एसी चल रहा होगा बट बिल्कुल गर्मी लग रही थी। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ किस तरह की गर्मी लग रही थी। जैसे एसी आपका कभी ठंडा नहीं करे भर, मतलब बिल्कुल गर्मी में तो जैसा फील आता है ना कि हवा तो चल रही है लेकिन गर्म। तो सो बेसिकली ये था हमारा रूम टूर। हेरिटेज वाइज तो लुक एंड फील काफ़ी अच्छा था, बट बेसिक एमिनिटीज़ में थोड़ा ये गड़बड़ कर गए। और अब हमने ये रूम टूर दे दिया आपको, अब चलते हैं खाना खाने रेस्टोरेंट। सो गर्मी में काफ़ी दूर चल के धूप में हम पहुँचे इनके रेस्टोरेंट जो था बिल्कुल दूसरी छोर पे। और ये देखिए रेस्टोरेंट की सेटिंग, ये यहाँ पे एक भूत का पूत भी नहीं था और लग रहा था जैसे कोई गेस्ट ही नहीं है यहाँ पे और मक्खियाँ यहाँ पे घूम रही थी। यहीं पे मैंने शूटिंग बंद कर दी थी बिकॉज काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस हुआ था हमारे को। तो हम गए थे लंच करने, करीब 2 बजे होंगे और 2 बजे इनके डाइनिंग हॉल या फिर रेस्टोरेंट कह लीजिए उसकी ये हालत थी कि वहाँ पे कोई नहीं था।
तो जैसे मैंने कहा कि रेस्टोरेंट में मक्खियाँ भिनभिना रही थी और इतने बड़े हॉल में सिर्फ एक एसी काम कर रहा था, और बुलाने पे एक बंदा आया और जिससे हमने बोला कि खाने में क्या क्या है, तो उसने मेन्यू पकड़ाया हमें। तो हमने दाल चावल ऑर्डर किए रूम्स के लिए, बिकॉज़ रूम में अक्षरा और मम्मी थे, उनका इतना दूर चल के आने का मन नहीं था क्योंकि वहाँ पे कोई बग्गी भी नहीं थी। मतलब यूजुअली अगर रेस्टोरेंट दूर होता है होटल से, लग्जरी होटल की बात कर रही हूँ, तो बगीज़ होती हैं कि वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करे ओल्ड एज और बच्चों को एटलीस्ट, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। सो बेसिकली अपने खाना ऑर्डर कर दिया रूम सर्विस फॉर मम्मी एंड अक्षरा, एंड हमने वहीं पे अपने लिए ऑर्डर किया चिकन एंड चिकन ग्रेवी एंड रोटी और नान सम ब्रेड, ओके, एंड आई गेस राइस भी किया था। तो चिकन शायद 2 या 3 पीस ऐसा कुछ था, तो हमें फिर से ऑर्डर करना था। तो हमने उनको बोला कि एक काम कीजिए, आप एक प्लेट और कर दीजिए क्योंकि ये थोड़ा कम पड़ेगा क्वांटिटी। सो दे सेड कि नहीं, ये 2 बजे की बात है राइट, कि नहीं अब तो चिकन है नहीं, बन नहीं पाएगा। तो हमने बोला कि ठीक है आप एक काम कीजिए, आप एग करी कर दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, एग करी भी नहीं हो पाएगा। फिर हमने बोला अच्छा कुछ तो दे दो यार, मतलब रोटीज़ और चावल पड़े थे तो कम से कम दाल दे दो, दाल के साथ खा ले। तो उन्होंने बोला कि नहीं, दाल भिनने में टाइम लगेगा 15-20 मिनट। तो आप सोचो, आप होटल लग्जरी रिसोर्ट खोल के बैठे हो और आपके रेस्टोरेंट की ये हाल है। अब इतने पे तो मूड का सारा कबाड़ा हो गया, ठीक है। गर्मी रूम में लगी रही थी, हमने सोचा थोड़ा देर एसी चला के छोड़ेंगे तो रूम ठंडा होगा, बट रूम में हम इंटर करते हैं और वो रूम फिर से गर्म ही है, एसी बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। हमने फिर कॉल किया, अच्छा फ़ोन भी उठाया हमने कॉल करने के लिए, तो फ़ोन में गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ हो रही है, जो बंदा अगली बार लाइन पे है उसकी आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही है, मतलब फ़ोन भी ठीक नहीं है। फिर भी कैसे तैसे करके हमने बोला कि रिक्वेस्ट किया कि यार हमारा रूम चेंज कर दो, ये एसी काम नहीं कर रहे। उन्होंने बोला कि कोई रूम अवेलेबल नहीं है। अरे तुम्हारे रेस्टोरेंट में एक बंदा नहीं दिख रहा, बाहर कोई एक बंदा ना दिख रहा, तो कौन से लोग आए हैं जो रूम में बैठे हुए हैं? तो रूम्स अवेलेबल नहीं हैं और हमें वैसे ही करना पड़ेगा। सो बेसिकली हमारा 2 दिन का ट्रिप था जिसको हमने कट शॉर्ट किया 1 दिन में। सो बेसिकली ये मैसेज है क्लब महिंद्रा वालों के लिए एंड द पुष्कर फोर्ट लग्जरी रिसोर्ट, प्लीज़ ड्रॉप लग्जरी फ्रॉम योर नेम, बिकॉज आपका फ़ोन काम नहीं कर रहा है, आपके रेस्टोरेंट में खाने के लिए कुछ नहीं है, आप रात में जो बेड प्रोवाइड कर रहे हो एक्स्ट्रा वो नीचे बिछा के गद्दा दे रहे हो। यार क्लब महिंद्रा में मैंने आज तक नीचे बिछा हुआ बेड देखा ही नहीं है, या तो वो सोफ़ा कम बेड देते हैं या तो वो प्रॉपर बेड लगाते हैं, एंड आप नीचे बिछा रहे हो अपने हेरिटेज होटल में, वो भी गर्मी में जब आपका एसी काम नहीं कर रहा है। There was no welcome drink. मतलब resort इतना खूबसूरत और आपके staff और आपके management ने उसकी वाट लगा रखी है। So इतनी गर्मी में ऐसे condition में तो हम रह नहीं सकते थे, but जैसे तैसे एक रात तो हमें काटनी थी क्योंकि हम काफ़ी travel करके आए थे 6 घंटे का, और अब आगे जाके और 6 घंटे travel करना possible नहीं था। तो हमने decide किया कि वो रात तो रह ही लेते हैं जैसे तैसे करके। तो आइए देखिए कि उस शाम में फिर हमने क्या क्या किया। तो अब शाम हो गई और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये स्विमिंग पूल एंड ये रिसोर्ट। रिसोर्ट वाकई में काफ़ी खूबसूरत था और बहुत ज़्यादा ह्यूज भी था। मेरे ख्याल से जब आप जाड़े में या विंटर्स में जाओ तो अच्छा लगेगा वहाँ पे काफ़ी, बट गर्मियों में तो बिल्कुल जाने लायक नहीं है, बिलीव यू मी। सो वी टुक सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड मेमोरीज फॉर लाइफ। क्या ब्यूटीफुल पिक्चर्स आए हैं, और पिक्चर्स लेने के लिए ये जगह बहुत सही थी, और रात में तो बिल्कुल लिट लग रही थी, तो काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स हमने क्लिक किए। शाम में तफरी करने निकले थे पुष्कर की गलियों में, हम काफ़ी कुछ घूमा बट इतना शूट नहीं कर पाए। और ये तलवार और औजार की ये शॉप्स काफ़ी दिख रही थी, मतलब स्टॉल्स, एंड आई डोंट नो बट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी।
और दैट्स इट फॉर पुष्कर। फिर हम सुबह निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर नोएडा के लिए, और मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि उस रेस्ट होटल से तो वैसे भी दिल भर चुका था। तो फिर हम आ गए यहाँ पे ब्रंच करने यश होटल में जो रास्ते में पड़ता है, और यहाँ पे हमने खाया कुछ यमी यमी खाना जैसे दाल फ्राई, जीरा आलू, पनीर की सब्ज़ी एंड देन रोटी चावल व्हाटेवर। एंड देन वहीं पे मैंने पूछा मम्मी पापा से कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, तो आइए सुनते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और क्योंकि ये पहली बार था जब मैं मम्मी पापा के साथ अकेले घूमने जा रही गई, अच्छे से सब जगह घुमाया फिराया, हम लोगों का ये ट्रिप जो था बहुत औसम था, एकदम बहुत आनंद किया हम लोगों ने। इतनी लंबी लंबी दूरी जो तय की हम लोगों ने, फिर भी ये नहीं लगा कि बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है या हम लोग प्रेशर में हैं। आनंद के साथ हम लोग गए और मौसम ने भी हम लोगों का साथ दिया। जब हम लोग पहुँचे अपने रिसोर्ट में तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा रहा, पूरा घूमना फिरना भी हुआ। और जहाँ तक रिसोर्ट की बात है, वो रिसोर्ट हम लोग तीन जगह गए, जयपुर अच्छा था, और इसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, कुंभलगढ़ का रिसोर्ट बहुत ही अच्छा था, उसकी व्यवस्था भी अच्छी थी, खाना पीना भी उसका अच्छा था, हम लोगों ने वहाँ खूब इंजॉय किया। उसके बाद कल पुष्कर में रहे, पुष्कर वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया हम लोगों का रिसोर्ट, और इसी के चलते दो दिन का जो हम लोगों का वहाँ था रुकना था, ट्रिप था, उसको हम लोगों ने कैंसिल किया, और कैंसिल करते हुए हम लोगों ने अपने घर भाग जाना श्रेयस्क समझा, बनस्पत की हम लोग उस रिसोर्ट में एक दिन और रहे। सब पूरा जो था यार इस बार वेरी गुड, वेरी एंजॉयिंग। कैसा रहा आपका? अच्छा मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो। बहुत अच्छा रहा। एक्सप्लेन करो। सबसे पहली बार बहुत खिलखिला के हंस रही थी ट्रिप में अपने नानी के बातों पे। क्या रहे? बताओ नाना नानी के साथ कैसा रहा? अच्छा। अरे अच्छा अच्छा क्या आगे बोलो कुछ। सबसे अच्छा रहा कुंभलगढ़ का महादेव मंदिर, जो राजा कुंभा के द्वारा स्थापित किया गया था। सुबह सुबह हम मम्मी पापा पहुँचे वहाँ, तो हमने ही मंदिर खुलवा के सबसे पहला दर्शन किया और पहली आरती करी, तो मजा का सबसे अच्छा ये था। अच्छा। उसके बाद तो मेरे से चलवा के मुझे ड्राइवर बनाया हुआ इन्होंने। अच्छा। और सबसे अच्छा रिसोर्ट कौन सा लगा? कुंभलगढ़ का रिसोर्ट अच्छा था। उसके बाद सबसे बुरा रिसोर्ट था। अरे तुम मत बहुत सारे कुछ सुनाए। अच्छा इसका दूध भात रखे, इसका कुछ समझ में आया? ट्रिप में गला खराब हो सकता है इनकी तरह, इसलिए अपने गले को बचा के रखेंगे। इंटरप्ट नहीं किया, इंटरैक्ट किया। इसलिए जो मम्मियों की आदत होती है कि कुछ बोलना होता है कुछ बोल देती है कुछ, तो वर्ड्स मम्मी कंफ्यूज होके इंटरैक्ट को इंटरप्ट बोल दी थी, तो इसी पे पापा हंस रहे हैं। तो बस ये हंसी मजाक के साथ हमने अपना लंच फिनिश किया, और उसके बाद हमने ये कुल्हड़ वाली चाय पी, और इसी को लेके हम चले निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन नोएडा की ओर, और ये सफ़र था सुहाना और काफ़ी मज़ा आया। तो कुछ ऐसा रहा हमारा ट्रिप फ्रॉम जयपुर कुंभलगढ़ टू पुष्कर बैक टू नोएडा। सो आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, ये इनफैक्ट ये पूरी सीरीज पसंद आई होगी। एंड इस वीडियो के माध्यम से आई वॉन्ट टू थैंक माई मम्मी पापा, जस्ट बिकॉज ऑफ देम दिस ट्रिप वॉज सुपर फैंटास्टिक, एंड थैंक यू मम्मी पापा फॉर ऑलवेज बींग देयर फॉर मी।
एंड ऑल द पीपल आउट देयर हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड एक बात और, मेरे 2 साल बाद 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं. जस्ट आई गेस 40-50 सब्सक्राइबर बचते हैं, तो प्लीज़ हेल्प मी रीच दैट गोल. एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग मी एंड सपोर्टिंग मी बिकॉज आई लव बींग विथ यू एंड आई एम श्योर यू टू डू. थैंक यू एंड लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लॉट ऑफ लव. बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग.